गाइस डे 8 और अब हम ट्रैवल कर रहे हैं अंतालिया से गोरेमे के लिए। मेट्रो की बस ली है 110 लीरा में, जो अगले 8 घंटे बाद हमें पहुंचाएगी गोरेमे टाउन नेवी शहर के पास। रास्ता बहुत खूबसूरत है, हिली एरिया है सारा। अभी हम जैसा कि आपको पता है अंतालिया से जा रहे हैं गोरेमे, जो कि है कैपाडोकिया में। पर अभी अभी हमारी गाड़ी में हुई है कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से गाड़ी गई है रुक। लेकिन ये जो लोकेशन है जहां पर गाड़ी रुकी है, गाइस लुक एट द ब्यूटी गाइस, सामने एक बहुत बड़ी वैली है, ऑसम वैली, बहुत प्यारी जगह है। मौसम बहुत ठंडा है, हवा चल रही है, टेम्परेचर 10-12-13 डिग्री सेल्सियस होगा। तो गाइस आपने पराठे तो बहुत खाए इंडिया में, लेकिन ये है टर्किश पराठा और इसको बोलते हैं गोजले में। ये बिल्कुल अपने जैसे ही पराठा है, बट थोड़ा साइज में बड़ा है और वेजिटेरियंस के लिए हाँ सर्वाइविंग थिंग, यू नो। पराठे को बहुत बड़ा रोल करते हैं, फिर पराठे को बहुत बड़ा रोल करते हैं और फिर उसको अंदर से स्टफ करके बंद करके दे देते हैं ऐसे करके। ये स्लीपिंग वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो है, जो इस टाइम पे अब एक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो पूरा एनाटोलिया रीजन है, इसको बनाने में, इस पूरे प्लेन को बनाने में इन तीन माउंटेन वॉल्केनोज थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उसमें से एक ये सबसे ऊंचा वॉल्केनो था असंटागी, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इतनी भी लैंड जो फर्टाइल है, वो इसी के अलावा प्लेन्स की वजह से, उसकी ऐश की वजह से ही बहुत फर्टाइल प्लेन है। और ये कई 100 किलोमीटर में पूरा का पूरा प्लेन एरिया है। मतलब इस जगह के बारे में कहते हैं कि ऐसी जगह दुनिया में और कहीं नहीं है और कोई नहीं है। एंड वाकई में यहाँ आके ऐसा लग रहा है यार, इतनी सुंदर, oh my goodness, पागल हो जाऊंगी। सो गाइस जस्ट फाइनली लैंडेड, अराइव्ड, रीच्ड, केम टू गोरेमे सिटी। ऑलमोस्ट 9:45, 10:15 हो रहे हैं। लगभग 10 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं गोरेमे। हालांकि रात हो रही है तो व्यूज़ अभी तो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन रात की जो ब्यूटी है, जो सिटी है, वो ज़बरदस्त है। सुबह आपको पक्का देखने को मिलेगा हम कहाँ हैं। आर होटल डेज इन कपाडोसिया, जहाँ हम पहुँचे हैं रात को 10 बजे। अभी हमें ढूंढना है रिसेप्शन। दिस इज आवर होटल और ये है हमारा रूम। एंड दिस इज हाउ द गोरेमे लुक एट नाइट। इट्स अ हैपनिंग टाउन। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हम निकले हैं खाने के लिए।
नमस्ते। पहले बंदे मिले हमें टर्की में जो हिंदी बोलने वाले हैं, और इतनी अच्छी हिंदी, सुनिए इनकी हिंदी। चलो, सलमान खान के फैन हूँ। ओके, मेरी सिख ले सलमान भाई। ये सलमान भाई के फैन है। यस, मैं इसका बोल रहा थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। खाना खाने के लिए इतनी मेहनत, हे भगवान। खाना खाने के लिए इतनी मेहनत, और भाई पूरे मूड में है इस टाइम पे। मम्मा मिया, ओ लल्ला, हॉप खाने के बाद ठंड का एहसास थोड़ा बढ़ता हुआ। अच्छा मौसम है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज खाना बहुत 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 अच्छा था। ये है रेस्टोरेंट कबाब सादे रेस्टोरेंट, तो ये मेन स्ट्रीट पे रेस्टोरेंट पड़ जाएगा, बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट, जस्ट बस स्टैंड के ऑपोजिट। और आप यहाँ आके डिलीशियस खाने का मजा ले सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, और प्राइसेस जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस पे होता है थोड़े ज्यादा है, बट वो सबके ही है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि इसी रेस्टोरेंट के प्राइस थोड़े ज्यादा है, सबका वो इक्वल ही है। बहुत अच्छा लगा, स्पाइसी एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे एक बंदा है मितिन, और उनकी हिंदी इतनी अच्छी है क्योंकि वो 10 साल से बॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं, और वो सलमान खान के फैन है, और वो बॉलीवुड मूवीज देख देख के उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। सो शायद हम कल भी यहाँ आएंगे और कल आपसे मिलेंगे, और कल हम एक स्पेशल डिश खाने वाले हैं, दैट इज सरप्राइज। हियर इज मिस्टर मितिन। हेलो, हाय, हाउ आर यू? गुड। बात करती हूँ, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है बॉलीवुड मूवी देख देख कर। यस, मैं सलमान भाई का फैन हूँ। अगर सलमान भाई का देख लिया, मेरे सलाम, सलाम अलैकुम। थैंक यू मितिन भाई, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय, सी यू टुमॉरो, गुड नाइट, शबा खैर, एंड प्लीज प्लीज डू लाइक आवर चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज टर्की घूम रहे हैं, पिछली बार यूरोप लेके गए थे, इंडिया के कई प्लेसेस घुमाए हैं। आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, तो हम आपको और जगह दिखाएंगे। बाय। और वो रहा ऊपर उच्च सार कासर। सो गाइज, अभी हम उतर रहे हैं पिजन वैली में नीचे, और रास्ता बहुत स्टीप है जो कि बहुत खतरनाक है भाई। पता नहीं गाइस फोटो में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट ये व्यू इतना प्यारा है ना, इस टाइम पे देखने में बहुत जबरदस्त है। गाइस, गेम मेक ट्विस्ट, हम रास्ता भूल गए।